Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे ढोलसा मेंथा कैसे बना सकते हैं. इस रेसिपी में हमने एग से पनीर बनाया है, ढोल से हमने चामन बनाई है और हम आपको दिखाएंगे कि आप पनीर साग के साथ कैसे बना सकते हैं. चाहे आप नॉर्मल पनीर घर पे लें कॉटेज चीज़ और उसको बनाएं साग के साथ, या चाहे आप इस तरीके से बनाएं, रेसिपी सेम रहेगी. मगर इसमें हमने आपको इन एडिशन दिखाया है कि आप एग से पनीर कैसे बना सकते हैं. काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है पनीर और साग की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 6 से 7 एग्स और इनको डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में. आपको एग्स को बीट करना है और इसमें आपको डाल देना है तकरीबन 1/2 कप दूध. तो जब इसमें मिल्क 1/2 कप आप डाल देंगे, फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और इस तरीके से आपको मिलेगा ये. अब आपको एक पैन लेना है, चाहे आप बोल ले कोई या पैन ले, लेकिन मेक श्योर कि उस थिन बॉटम्ड हो वो. इसमें आपको ऑयल से ग्रीस करना है बॉटम पे और साइड्स पे, इसलिए ताकि ये स्टिक ना करे. जो हम इसमें अंडे डाल देंगे वो स्टिक ना करे, इसलिए इसको अच्छे से ग्रीस करना है बॉटम और साइड्स पे ऑयल से. तो जब आपने तेल से इसको अच्छे से ग्रीस किया होगा, फिर जो आपने फेंटे थे अभी एग्स बीट किए थे वो आप इसमें ऐड कर देंगे. ये मेथड जो है पोचिंग वाला मेथड है, इसीलिए आप लेंगे एक लार्ज कंटेनर, उसमें डाल देंगे स्टैंड और वाटर और उसके ऊपर रख देंगे ये कंटेनर जिसमें हमने अंडे डाल दिए थे. अब आप इसको बर्नर पे रखेंगे ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम, लिड कवर करके, एंड आप वेट करेंगे जब तक ना ये एग्स पनीर से बन जाएंगे. इन बिटवीन आप एक खोल सकते हैं लिड चेक करने के लिए. ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर तक आ चुके हैं, लेकिन ये खुद ही दे विल गो डाउन और हमारी ये पनीर जो बन चुकी है इनसे एग से. अब हम इसको बहुत ही केयरफुली निकालेंगे बाहर इस कंटेनर को और ठंडा होने का वेट करेंगे. ये देखिए अब ठंडा होने के बाद इसको एक प्लेट पे निकाल दीजिएगा आप और इसको कट कीजिएगा छोटे पीसेस में अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस एंड प्रेफरेंस, जैसा कि आप नॉर्मली पनीर को करते हैं. तो यहाँ तक हमने आपको ये प्रोसेस दिखाया था कि आप अंडे से कैसे पनीर बना सकते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल कॉटेज चीज़ या पनीर से. इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आप साग के साथ कैसे इसको पका सकते हैं. और जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर रेसिपी सेम रहेगी पनीर और साग की. तो हमने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो साग लिया है, इसको अच्छे से क्लीन किया है, वॉश किया है. उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो है गार्लिक का पेस्ट हमने लिया है, सौंफ का पाउडर, नमक, हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, क्यूमिन सीड्स, जीरा और यही पनीर जो हमने अभी अंडे से बनाई है. और अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, आप नॉर्मल पनीर भी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है. और हमने यूज़ किया है पीनट मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे इन अ पैन और वेट करेंगे इसकी स्मोक लीव होने का. तो जब ऑयल का स्मोक लीव होगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीसेस किए थे पनीर के, एग पनीर के, और इसको फ्राई करेंगे ऑन ईच साइड. हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये कॉटेज चीज़ नहीं है, नॉर्मल पनीर नहीं है, ये एग्स की पनीर है. सो ये जल ना जाए, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है. जब ये हर एक तरफ से ब्राउन हो चुके होंगे, फिर हमें इनको निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है एक बोल में. ठंडे पानी में डालने का ये लॉजिक है कि ये उससे सॉफ्ट रहते हैं. अदरवाइज अगर आप इनको प्लेन प्लेट पर रख देंगे आफ्टर दिस स्टेप, थोड़ा हार्ड बन सकते हैं ये. जब तक हम साग की तैयारी करेंगे, इनको निकाल के आप डाल देंगे एक बोल में जिसमें ठंडा पानी होगा. Here you can see. अब हमने ये निकाल के रख दिए हैं और हम साग की तैयारी करते हैं. हमने जो ये तेल लिया था, हम इसको रीयूज करेंगे और डाल देंगे एक प्रेशर कुकर में. आप जितना ऑयल घर में खाते हैं उतना ही लीजिए. हमने यही मस्टर्ड ऑयल लिया है अब, और इसको हम यूज़ करेंगे साग को करने के लिए, क्योंकि स्मोक निकल चुकी थी. इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटा हुआ अनियन, इससे टेस्ट अच्छा आता है.
जब अनियन डार्क ब्राउन हो जाएंगे उसमें आप डाल दीजिएगा तकरीबन 1 कप पानी, और अब इसमें जाएंगे मसाले। हमने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चम्मच, फिर इसमें जाएगा सौंफ पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी 1 छोटी चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 से 2 डाल देंगे आप लौंग, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल देंगे। अब उसमें जाएगा गार्लिक का पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है आप सीधे गार्लिक भी डाल सकते हैं, और हमने जीरा को लिया है 1 छोटी चम्मच, हैंड्स में आप इसको क्रश कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से आप मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ा इस पर तैयार होने देंगे, कुक होने देंगे। ये आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आता है तेल पे स्पाइसेस का। अब जाएगा इसमें वाटर, और आप इसको लिड ऊपर रख दीजिए, पूरा बंद नहीं करना है, कोई भी लिड रख दीजिए ऊपर ताकि पानी में उबाल आए। जैसा कि हम आपको बार बार बोल चुके हैं, जो साग है ये गर्म बॉइलिंग वाटर में कुक करना होता है, ठंडे पानी में नहीं डालना होता, ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए हमने लिड से कवर किया ताकि जो हमने पानी ऐड किया है वो हॉट बॉइलिंग हो जाए। और अब इसमें हमने साग डाल दिया है, आप इसको और लिड से कवर कीजिए और वेट कीजिए जब तक ना ये और थोड़ा उबाल आए पानी में। अब इसको प्रेस डाउन करना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि साग कवर हो, और थोड़ा उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा अब, क्योंकि ये साग को हमने प्रेस डाउन किया है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर जो हमने अभी बनाई थी अंडे से, आप डाल सकते हैं नॉर्मल पनीर भी अगर आप ये पनीर नहीं बनाना चाहते, मगर ट्रस्ट मी इट टेस्ट इज़ रियली गुड एंड डिफरेंट। अब आप इसको प्रेस डाउन करेंगे फिर से पनीर को, और अब करेंगे आप लिड कवर। अब आपको ये कुक करना है तकरीबन 3 से 4 विसल्स तक, और वेट करेंगे विसल खुद लीव होने का। अगर आपको उसके बाद भी लगेगा साग थोड़ा सा हार्ड है, देन यू कैन स्टिल कीप अनदर विसल, मगर यू शुड नॉट कीप मोर देन 3-4 विसल्स पहले ही। तो लिड ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा साग जो है वो सॉफ्ट हो गया है, एंड अगर सॉफ्ट होगा, करी ज़्यादा नहीं यूजली रखते हैं हम, सो मेक श्योर दैट ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करें इसलिए आप। सो ये तैयार हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। हाक्त चामन ये हमारी कश्मीर की एक बहुत ही फेमस डिश है, पसंद किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, और आप इसको ज़रूर बनाएगा। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड पे हमने आपको दिखाया है कि हमने इसमें कितनी सारी रेसिपीज अपने चैनल पे दिखाई हैं, तो प्लीज़ आप ये एंड तक वीडियो देखिएगा, वो रेसिपीज भी चेक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपने ये डिश बनाई है तो कैसी बनी, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और डिश आपके लिए बनाएं, कुछ और रेसिपीज बनाएं, आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स होंगे, आप उन लिंक्स को भी चेक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पे आप हमको फॉलो कीजिए, आप वहाँ पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।